हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मेरा नाम है मनीष राय और आप सबका स्वागत है इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दैट इज नेशनल इनकम एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही है, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के बनाया है नेशनल इनकम और कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम को कैसे याद रखा जाए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली अ ईयर। अर्थात इसका मतलब है कि नेशनल इनकम ये सम टोटल है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक देश में बना है एक पर्टिकुलर साल के अंदर। मतलब एक देश में एक साल के अंदर जितने रुपए का गुड्स और सर्विसेज बना है उसको अगर हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में देखेंगे, पैसे के टर्म्स में देखेंगे और टोटल करेंगे, सम अप करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा नेशनल इनकम क्या है। अब इसमें गुड्स भी आ रहे हैं, सर्विसेज भी आ रहे हैं, मतलब जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी चीजें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो सब भी इंक्लूड होगा, प्लस जितने प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, वीडियो शूटर्स हैं, उनकी इनकम भी इसमें इंक्लूड होगी। तो एक साल में एक देश के अंदर जितने रुपए का गुड्स बना प्लस जितने रुपए की सर्विसेज दी गई, उन सब को अगर हम ऐड करेंगे, सब चीज को मिलाएंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा नेशनल इनकम क्या है। इसीलिए बोला जाता है कि दस नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। याद रखिएगा, इसमें हम लोग रॉ मटेरियल्स या फिर सेमी फिनिश गुड्स नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ नेशनल इनकम में फिनिश गुड्स के बारे में बात करेंगे, फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी इन अ ईयर। अब इंडिया में, भारत में ये पर्टिकुलर कंसेप्ट मेजर कौन कर सकता है, कैलकुलेट कौन करता है वो देख रहे हैं। इन इंडिया सिंस 1955 द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इज विद सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। तो 1955 से लेके आज तक जो भी हम लोग नेशनल इनकम के फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं या जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है, वो पूरा की पूरा कंसेप्ट कैलकुलेशंस ऑफ नेशनल इनकम इज डन बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब GDP जो हमारी है उसको कैलकुलेट करने के लिए दो कंसेप्ट्स हैं, इट इज कैलकुलेटेड बाय फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। अब ये दो चीजें आपको जानना जरूरी है इन डेप्थ कि जीडीपी जब हम लोग देखते हैं, नेशनल इनकम जब हम मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसको मेजर करने के दो अलग अलग तरीके हैं, एक है फैक्टर कॉस्ट और दूसरा है मार्केट प्राइस। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर कॉस्ट के बारे में देखेंगे। तो फैक्टर कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड इन हायरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और आप सबको मालूम है देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला है लैंड। अब लैंड के लिए हम अगर किसी, मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं और मेरे को लैंड की जरूरत है, शॉप की जरूरत है, तो मैं किसी से शॉप भाड़े पे लूंगा, रेंट पे लूंगा, तो जिससे मैं लैंड ले रहा हूं उसके बदले में उसको क्या दूंगा, रेंट। तो क्या रेंट नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगी? यस। दूसरा फैक्टर है, आप सबको मालूम है लेबर, और लेबर को हम लोग देते हैं वेजेस। तो क्या वेजेस जीडीपी में या नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा? यस। तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल। मुझे अगर पैसे की जरूरत है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो हो सकता है मैं बैंक से लोन लूं, तो कैपिटल के लिए जब मैं बैंक से लोन ले रहा हूं तो मैं उनको क्या पे करूंगा? इंटरेस्ट। तो क्या इंटरेस्ट नेशनल इनकम में आता है? यस। एंड द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एंटरप्रेन्योर, जो खुद बिजनेस करेगा, जो लैंड भी लेगा, लेबर की भी हेल्प लेगा अपने बिजनेस के लिए, कैपिटल भी लेगा और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा। एंटरप्रेन्योर खुद क्या कमाता है ये सब बिजनेस एक्टिविटीज करने के बाद? दैट इज प्रॉफिट। तो जब ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम सम अप करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर कॉस्ट। तो याद रखिएगा, जीडीपी कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक फैक्टर कॉस्ट है और दूसरा मार्केट प्राइस है। तो फैक्टर कॉस्ट मतलब चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनको जो रिवॉर्ड मिलता है, वो रिवॉर्ड को जब हम कैलकुलेट करेंगे, सम अप करेंगे, तो हमें मिलेगा फैक्टर कॉस्ट। सो दीज रिवॉर्ड्स फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन व्हेन समड अप, इसको अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट
का मतलब होता है चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो रिवॉर्ड दिए जाते हैं उनका सम अप करना, उनका टोटल करना। अब हम देखेंगे दूसरा कंसेप्ट, दैट इज मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस क्या है? व्हेन अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस समथिंग गुड्स, ही हैज टू पे सम इनडायरेक्ट टैक्सेस टू गवर्नमेंट एंड ऑल्सो प्रोवाइड सम सब्सिडीज, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन प्रोडक्शन। तो यहां मार्केट प्राइस में दो कंसेप्ट है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। अब दोनों को क्या किया जाएगा मार्केट प्राइस में? These indirect taxes are recovered from the consumer by adding it in the factor cost. Factor cost में add किया जाएगा इसको, क्योंकि हम consumer से वसूल किया जाता है। Producer indirect tax GST पहले भर देगा अपने goods बनाने के बाद, वो पहले GST भर देता है government के पास, लेकिन वो वसूल किसके किया जाता है? Consumer से। तो indirect tax याद रखिए, direct tax जो tax earner है वही tax payer है, लेकिन indirect tax में टैक्स इज पेड बाय द प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर बिजनेसमैन, लेकिन उसको वसूल किससे किया जाता है? कंज्यूमर से। तो टैक्स पेयर इज डिफरेंट एंड टैक्स बेयरर इज डिफरेंट इन इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहां हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो दीज इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिकवर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर बाय एडिंग इट इन द फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट में एड किया जाता है, एंड टू गिव द बेनिफिट ऑफ सब्सिडीज टू कंज्यूमर। दीज आर डिडक्टेड फ्रॉम द फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट से डिडक्ट किया जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स और एड किया जाएगा सब्सिडीज, तो हमें मिलेगा मार्केट प्राइस। तो देखिए, आफ्टर एडजस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज इन फैक्टर कॉस्ट वी अराइव एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस ये बड़ा कंसेप्ट है जिसमें चारों फैक्टर्स भी आते हैं प्लस दो वेरिएबल भी आ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स एज वेल एज सब्सिडीज। लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? सो वी कैन फॉर्मुलेट प्राइस एज फॉलोज, एमपी दैट इज मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। That is, NIT का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे इसमें से सब्सिडीज जो गवर्नमेंट ने बेनिफिट दी है। अभी भी अगर कई स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होगा कि सर समझ में नहीं आया क्या कंसेप्ट है, तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, प्राइस पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड ए, अब ए को प्रोड्यूस करना है, ए इज अ गुड जिसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मैं अगर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ मैन्युफैक्चरर, आई एम अ प्रोड्यूसर, आई एम अ बिजनेसमैन who wants to produce good A. अब मैंने किसी से लैंड लिया, उसको मैं पे कर रहा हूं रेंट, पर यूनिट रेंट इज 6 rupees, वेजेस में पे कर रहा हूं, इट इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल है, वेजेस में पे कर रहा हूं 20 rupees, ठीक है, लेबर को वेजेस देना पड़ेगा। जिससे मैंने कैपिटल लिया है तो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10 rupees, और मैं खुद एज अ बिजनेसमैन क्योंकि पूरी मेहनत मैं कर रहा हूं, चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेरे बनाए हुए हैं, मैंने उसको अरेंज किया है, तो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं 4 rupees। तो यहां पे आप देख सकते हो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ये चारों को जब मैं ऐड कर रहा हूं तो ये बन जाएगा मेरा फैक्टर कॉस्ट, एंड फैक्टर कॉस्ट कम्स टू 40 rupees, दैट इज 6 rupees प्लस 20 rupees प्लस 10 rupees एंड प्लस 4 rupees। तो फैक्टर कॉस्ट मिल गया। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूं इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है 10 rupees, और मैं लेस कर रहा हूं जो गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दी है कंज्यूमर के लिए, जो बेनिफिट दिया है वो लेस कर रहा हूं, दैट इज 6 rupees। अब मेरा मार्केट प्राइस हो रहा है 44, दैट इज फैक्टर कॉस्ट में मैं ऐड कर रहा हूं इनडायरेक्ट टैक्स और डिडक्ट कर रहा हूं सब्सिडीज, तो यह बन जाएगा मेरा मार्केट प्राइस। तो अब आपको शायद इजीली समझ में आएगा कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट में चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मार्केट प्राइस बड़ा कंसेप्ट है, मार्केट प्राइस में आप ऐड करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स और लेस करेंगे सब्सिडीज, तो आपको मिल जाएगा मार्केट प्राइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, अब कंसेप्ट्स बहुत इजीली देखना है, समझने की कोशिश करना है। सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, दूसरा कंसेप्ट है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी सीक्वेंस में आप देखिएगा, पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस है, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट है, फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक के जगह पे नेशनल आ गया, मतलब इसमें इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स और बाकी रिसिट्स एंड पेमेंट्स सब इंक्लूड होगा, मार्केट प्राइस। फोर्थ जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, सीक्वेंस आप देख लीजिए, ये चार ग्रॉस है, ऊपर के दो फर्स्ट एंड सेकेंड इज डोमेस्टिक विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और थर्ड एंड फोर्थ इज नेशनल जिसमें रिसिट्स एंड पेमेंट्स और भी ऐड होंगे।
तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। फिफ्थ जो कंसेप्ट है दैट इज एनडीपी। अब ये किसका भाई है? फर्स्ट वाले का भाई है। फिफ्थ कंसेप्ट इज द ब्रदर ऑफ फर्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। सिक्स्थ कंसेप्ट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये भाई है सेकेंड कंसेप्ट का, रिलेटेड है दोनों। सेवेंथ जो कंसेप्ट है एनएनपी, ये कंसेप्ट भाई है थर्ड कंसेप्ट का, इट इज रिलेटेड विद थर्ड कंसेप्ट। और एट कंसेप्ट दैट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये है फोर्थ कंसेप्ट का भाई, दैट इज जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहां पे टोटल आप देख सकते हो चार ग्रॉस हैं, चार नेट है। अब सिर्फ दो ही फॉर्मूलाज आपको याद रखना है इजीली, बाकी पूरे के पूरे छह आपको इजीली याद होंगे। कौन कौन से याद रखना है? फर्स्ट वाला जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एफ। सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। याद रखना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम सब जो खर्चा कर रहे हैं दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जितने बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। जी इंडिकेट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है दैट इज जी। प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, एक्स मींस एक्सपोर्ट्स, एम मींस इंपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट माइनस करेंगे हम लोग इंपोर्ट, तो हमें मिलेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये कंसेप्ट आपको याद रखना होगा। और थर्ड कंसेप्ट आप याद रखिए, बस ये दो कंसेप्ट अगर आप याद रखेंगे तो बाकी सब कंसेप्ट इट विल बी इजी फॉर यू। जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या बोलता है? जीएनपी एट मार्केट प्राइस बोलता है सी दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय जनरल पब्लिक, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डन बाय बिजनेसमैन, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, प्लस एक्स माइनस एम दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, प्लस आर माइनस पी दैट इज रिसिट्स, जो हमको फॉरेन कंट्रीज से पैसे मिले हैं दैट इज रिसिट्स, माइनस पेमेंट्स विच वी हैव मेड टू फॉरेन कंट्रीज। तो जो पैसे आए हैं वो रिसिट्स हैं दूसरे देशों से, और जो हमने पैसे दिए हैं दैट इज पेमेंट। तो ये दो कंसेप्ट अगर आपको याद होते हैं तो बाकी सब बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। अब हम लोग देखते हैं सेकंड कंसेप्ट क्या है। देखिए इसमें क्या चीज ऐड हुई है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट है और फैक्टर कॉस्ट में हम माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस करेंगे सब्सिडी। तो ये फर्स्ट और सेकेंड आप देखिए दोनों में फर्क क्या है। C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, सिर्फ इसमें आपने क्या ऐड किया है? माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, बस इतना ही आपने ऐड किया और ये फॉर्मूला बन गया। अब थर्ड वाला आपने देखा है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी दैट इज जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो इसमें क्या आएगा? बहुत आसान है, फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए सेम फॉर्मूला, थर्ड वाला फॉर्मूला जीएनपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला सेम एज इट इज आएगा और इसमें ऐड होगा दैट इज हम डिडक्ट करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस करेंगे सब्सिडीज। आप देख सकते हो तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी, यहां तक तो मार्केट प्राइस है। अब माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी कर दिया तो यह बन जाएगा फैक्टर कॉस्ट। तो उम्मीद है ये चारों जीडीपी समझ में आए होंगे आपको। अब एनडीपी, अब मैंने आपको पहले बताया था ये जो फिफ्थ है एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ये किसका भाई है? फर्स्ट पॉइंट का दैट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का पूरा की पूरा फॉर्मूला एज इट इज आएगा और उसमें सिर्फ आपको माइनस करना है डेप्रिसिएशन, तो यह बन जाएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो आप देख सकते हो एनडीपी एट मार्केट प्राइस सेम फॉर्मूला फर्स्ट वाले का है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब इसमें सिर्फ आपको माइनस करना है डेप्रिसिएशन, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया एनडीपी एट मार्केट प्राइस। सिक्स्थ जो कंसेप्ट है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये किसका भाई है? मैंने आपको बताया था सेकेंड पॉइंट का, दैट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का भाई है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का पूरा फॉर्मूला एज इट इज आएगा और उसमें आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन तो बन जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो आप देख सकते हो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ये हम लोग का हो चुका है ऊपर ही सेकेंड पॉइंट में, इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन अगर आप माइनस कर रहे हो तो बन जाता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सेवेंथ वाला पॉइंट देखिए एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ये किसका भाई है? थर्ड कंसेप्ट का दैट इज जीएनपी एट मार्केट प्राइस का भाई है।
तो सेम थर्ड वाला फॉर्मूला एज इट इज आएगा और आप इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो बन जाएगा एनएनपीएफ मार्केट प्राइस। तो फॉर्मूला देखिए, तो जीएनपीएफ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। ये तो पूरा जीएनपी और मार्केट प्राइस का ही फॉर्मूला है, सिर्फ आपको माइनस करना है डेप्रिसिएशन और ये बन जाएगा एनएनपीएफ मार्केट प्राइस। लास्ट कंसेप्ट जो है एनएनपीएफ फैक्टर कॉस्ट, ये फोर्थ वाले कंसेप्ट जीएनपीएफ फैक्टर कॉस्ट का भाई है। पूरा फॉर्मूला जीएनपीएफ फैक्टर कॉस्ट एज इट इज आएगा, सिर्फ आपको माइनस करना है डेप्रिसिएशन। तो देखिए सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी, माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करेंगे सब्सिडी, यहां तक का फॉर्मूला फोर्थ वाला फॉर्मूला सेम है, सिर्फ आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन तो ये बन जाएगा एनएनपीएफ फैक्टर कॉस्ट। तो दोस्तों ये था कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। जीडीपी के हमने अलग अलग कंसेप्ट देखे हैं, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स को, प्लस नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हैं ताकि अगले वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और आपको अगर कोई भी चीज, कोई परेशानी है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है और चाहे आप चाहते हैं कि और वीडियोस आपके सामने मैं प्रस्तुत करूं, तो आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स एट द रेट जीमेल.com पे। बहुत बहुत शुक्रिया।